हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज का इस वीडियो में हम लोग देखने वाला है एक स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग डायग्राम। पिछले एक वीडियो मैंने बनाया था एक स्टार डेल्टा स्टार्टर का वायरिंग करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं और उसका बारे में मैंने वन बाई वन एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो। और उसका पहले भी मैंने इसका रिलेटेड बहुत सारा वीडियो बनाया है, इंटरलॉकिंग क्या है, होल्डिंग क्या है और पुश बटन का फंक्शन और कॉन्टैक्टर का फंक्शन वगैरह, इसका पूरा वीडियो अलग अलग बना के रखा है अपने चैनल पे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो उसको पहले देखिए, तो फिर आपको ये जो वीडियो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है एक स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग डायग्राम। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग डायग्राम में सबसे पहले आपको एक MCB आ जाएगा। ये देख सकते हैं, ये MCB है। इसका जो कंट्रोल सर्किट में सबसे पहले ये हमको लगाना पड़ता है। कोई भी कंट्रोल सर्किट में कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं तो ओवरलोड आएगा, तो एक कंट्रोल सर्किट को आइसोलेट करने के लिए हम लोग MCB लगाते हैं। उसका बाद में आ जाएगा ये ओवरलोड रिले। ये ओवरलोड रिले इसलिए लगाते हैं इनकेस मोटर में कुछ हाई एम्पियर आएगा, नहीं तो मोटर उसका एम्पियर से जो मोटर का जो रेटेड लोड एम्पियर रहता है इससे उसका एम्पियर से ज़्यादा एम्पियर लेगा तो ये ओवरलोड उसको कंट्रोल सर्किट को बंद कराएगा। ओके, तो इसलिए ये ओवरलोड रिले लगाता है। ये अभी ओवरलोड रिले का आप देख सकते हैं, ये कंट्रोल के लिए हम लोग ये नॉर्मली क्लोज यूज़ किया है यहाँ पे। इनकेस मोटर में कुछ ओवरलोड आएगा तो ये ओपन हो जाएगा, इधर से जो कंट्रोल सप्लाई आना है बंद हो जाएगा। तो उसके बाद में ओवरलोड रिले का बाद में आता है ये स्टॉप पुश बटन। स्टॉप पुश बटन भी आप देख सकते हैं, इसका जो एलिमेंट है ये नॉर्मली क्लोज है। ये स्टार्टर को बंद करने के लिए इस्तेमाल करता है ये जो स्टॉप पुश बटन। ओके, ये पुश बटन को प्रेस करेगा तो ये नॉर्मली क्लोज जो है नॉर्मली ओपन हो जाएगा, यहाँ से जिसका जो कंट्रोल सप्लाई ब्रेक हो जाएगा। ओके, फिर आता है स्टॉप पुश बटन का बाद में आता है स्टार्ट पुश बटन। ये स्टार्ट पुश बटन स्टार्टर को ऑन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पुश बटन नॉर्मली ओपन है, स्टार्ट करने के लिए जो पुश बटन इस्तेमाल करते हैं ये नॉर्मली ओपन रहेगा। इसका जो कॉन्टैक्ट आप देख सकते हैं, ये ओपन कॉन्टैक्ट है। इसमें ये प्रेस करेगा तो ये क्लोज हो जाएगा और उसमें से हाथ हटाएगा तो ये ओपन हो जाएगा। ये स्टार्ट पुश बटन के बाद में आएगा कंट्रोल सर्किट में तीन कॉन्टैक्टर आएगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर में तीन कॉन्टैक्टर आता है, उसमें से एक कॉन्टैक्टर मेन कॉन्टैक्टर है, एक कॉन्टैक्टर डेल्टा कॉन्टैक्टर हो गया और तीसरा कॉन्टैक्टर जो है स्टार कॉन्टैक्टर है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें तीनों कॉन्टैक्टर को मैं ऐसा मेंशन किया है, मेन कॉन्टैक्टर को KM दिया है। ये जो KM जो लिखा है ये मेन कॉन्टैक्टर का कोयल दिया है। इसमें देख सकते हैं A1 A2 लिखा है, ये मेन कॉन्टैक्टर का कोयल है। ओके, फिर दूसरा KD लिखा है इधर यहाँ पे, ये डेल्टा कॉन्टैक्टर है, इसमें भी लिखा है डेल्टा कॉन्टैक्टर का कोयल मेंशन किया है इधर A1 A2 डेल्टा कॉन्टैक्टर का कोयल है। तीसरा जो कॉन्टैक्टर आता है स्टार कॉन्टैक्टर, इसके स्टार कॉन्टैक्टर को KS नाम दिया है इसको, तो ये भी स्टार कॉन्टैक्टर का कोयल है। अभी मैंने ये जो तीनों कॉन्टैक्टर को वन बाई वन एक्सप्लेन करूंगा, इसको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट कहाँ पे इस्तेमाल किया है, इस किसके लिए इस्तेमाल किया है। अभी ये देख सकते हैं KM कॉन्टैक्टर है, ये इसका कोयल है। अभी मैं इसका जो जो भी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट मतलब NONC इसका जो कॉन्टैक्ट है उसका साथ में मैंने KM लिखा रहेगा। अब देख सकते हैं ये कंट्रोल सर्किट में ये जो मेन कॉन्टैक्टर है इसका तीन नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट हम लोग ये कंट्रोल सर्किट में हम लोग इस्तेमाल किया है। ये मेन कॉन्टैक्टर का एक नॉर्मली ओपन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ये स्टार्ट पुश बटन है, ये स्टार्ट पुश बटन है, इसका पैरेलल में आप देख सकते हैं लगा हुआ है। ये इसलिए लगा हुआ है होल्डिंग के लिए, मेन कंट्रोल सर्किट होल्डिंग के लिए लगा हुआ है, क्योंकि ये स्टार्ट पुश बटन है। अपना जो स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेगा तो यहाँ से कंट्रोल सप्लाई जाएगा, अपना जो सर्क्यूट एनर्जाइज होएगा, स्टार कॉन्टैक्टर और मेन कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होएगा। ओके, वापस ये स्टार्ट पुश बटन से आपने जो हाथ हटाएगा तो ये वापस नॉर्मली ओपन होता है। ये कॉन्टैक्ट जो ओपन होएगा अपने जो कंट्रोल बंद होने के बंद हो जाएगा। तो अपने जो स्टार्ट पुश बटन से हाथ हटाएगा तो भी सर्क्यूट बंद नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे होल्डिंग पॉइंट दिया है। क्योंकि ये स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेगा ये तुरंत ये मेन कॉन्टैक्टर पकड़ेगा तो ये कॉन्टैक्ट जो है ओपन क्लोज हो जाएगा, यहाँ से कंट्रोल सप्लाई जाएगा, फिर यहाँ से कंट्रोल सप्लाई जाएगा अपना जो कंट्रोल सर्क्यूट को होल्ड करेगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे ये मेन कॉन्टैक्टर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया है नॉर्मली ओपन। इसमें KM मेंशन किया है, ये मेन कॉन्टैक्टर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है इसलिए यहाँ पे KM मेंशन किया है। ये मेन कॉन्टैक्टर का दूसरा जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे KM लिखा है, इसका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन है,
ये यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया है, ये मेन कॉन्ट्रैक्टर को होल्डिंग करने के लिए। अपना जो स्टार्टर है इसको स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले जो एनर्जाइज होता है ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज होता है। तो स्टार कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज होने के बाद में ही ये मेन कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज होता है, क्योंकि ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर को ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया है। मेन कॉन्ट्रैक्टर का कोयल में पावर आता है, स्टार कॉन्ट्रैक्टर का ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर में होके ये मेन कॉन्ट्रैक्टर में सप्लाई आता है सबसे पहले स्टार्टर चालू करेगा तो। ओके, जैसा ही ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज होएगा ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये ओपन जो है ये क्लोज हो जाएगा। ओके, स्टार कॉन्ट्रैक्टर ये एनर्जाइज होएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होएगा, यहाँ से कंट्रोल सप्लाई मिलेगा इसको, मेन कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज होएगा। फिर थोड़ा देर के बाद में ये स्टार्टर जो है स्टार से डेल्टा में चेंज ओवर होएगा, तो उसी टाइम में ये कॉन्ट्रैक्ट ओपन होएगा, तो मेन कॉन्ट्रैक्टर बंद नहीं होना चाहिए ये, इसलिए ये होल्डिंग पॉइंट हम लोग दिया है यहाँ पे। ओके, दूसरा ये जो मेन कॉन्ट्रैक्टर का ऑक्सिलरी यहाँ पे इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हैं ये क्या है, मेन कॉन्ट्रैक्टर का नॉर्मली ओपन यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ये रन इंडिकेशन के लिए। स्टार्टर चालू हो गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होएगा, इंडिकेशन लैम्प में कंट्रोल सप्लाई जाएगा, ये इंडिकेशन लैम्प ऑन हो जाएगा। तो टोटल मेन कॉन्ट्रैक्टर का तीन नॉर्मली ओपन कॉन्ट्रैक्ट हम लोग यूज़ किया, दो होल्डिंग के लिए यूज़ किया है, एक मेन कंट्रोल सर्किट होल्डिंग के लिए, एक मेन कॉन्ट्रैक्टर होल्डिंग के लिए, दूसरा तीसरा वाला नॉर्मली ओपन हम लोग ये इंडिकेशन लैम्प के लिए इस्तेमाल किया है। अभी हम चेक करेगा ये डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर का कितना ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्ट ये कंट्रोल सर्किट में इस्तेमाल किया है। अब जैसा देख सकते हैं यहाँ पे ये कंट्रोल में एक ही ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्ट हम लोग ये कंट्रोल सर्किट में इस्तेमाल किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये के डी यहाँ पे लिखा है, के डी बोलेगा तो डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है, ये इसका डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर का कोयल है, इसका जो ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हम लोग यूज़ किया है नॉर्मली क्लोज, ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर कोयल का सीरीज में दिया है, ये इसलिए दिया इंटरलॉकिंग करने के लिए, ताकि ये डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर कोई भी वजह से एनर्जाइज है तो ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए ये डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर का नॉर्मली क्लोज हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल किया है स्टार कॉन्ट्रैक्टर का कोयल का सीरीज में। स्टार कॉन्ट्रैक्टर का जो कोयल है इसमें स्टार कॉन्ट्रैक्टर का जो कोयल में पावर आता है डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर का नॉर्मली क्लोज में होके फिर स्टार कॉन्ट्रैक्टर का कोयल में आता है, तो ये सेफ्टी के लिए लगाता है। ओके, दूसरा हम लोग लेंगे ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर, स्टार कॉन्ट्रैक्टर का दो ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्ट हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल किया है, एक NO इस्तेमाल किया है, एक NC इस्तेमाल किया है। ओके, NO हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल किया, पहले बोला था हमने ये मेन कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज करने के लिए हमको ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर के एक ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, क्योंकि ये सबसे पहले स्टार कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज होएगा तो वो स्टार कॉन्ट्रैक्टर का नॉर्मली ओपन से फिर मेन कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज होएगा, तो स्टार कॉन्ट्रैक्टर के एक ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्ट हम लोग ये मेन कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज करने के लिए यूज़ किया। दूसरा जो ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्ट है नॉर्मली क्लोज वो इंटरलॉकिंग के लिए यहाँ पे यूज़ किया, आप जैसा देख सकते हैं ये डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है, डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर में कोयल, डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर का जो कोयल है इसमें स्टार कॉन्ट्रैक्टर का नॉर्मली क्लोज में होके फिर डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर का कोयल में आता है, ये भी इंटरलॉकिंग के लिए यूज़ किया है, ये भी सेफ्टी के लिए है, इनकेस स्टार कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज है तो डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज नहीं होना चाहिए। ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर के बीच में ये जो इंटरलॉकिंग कनेक्शन है ये करने का वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर इनकेस आप इंटरलॉकिंग कनेक्शन नहीं देगा कोई भी वजह से ये दोनों साथ में एनर्जाइज होगा तो शॉर्ट सर्किट होएगा, मोटर ख़राब हो सकता है और कॉन्ट्रैक्टर ख़राब हो सकता है, आदमी लोग के लिए भी डेंजर है, तो ये इंटरलॉकिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा आता है हमारा ये कंट्रोल सर्किट में टाइमर, स्टार डेल्टा टाइमर नहीं तो ऑन डिले टाइमर, ये देख सकते हैं ये TR लिखा है, ये टाइमर है। ओके, ये TR लिखा है, इसका जो टाइमर है ये टाइमर का कोयल है, A1 A2 लिखा है इसका कोयल है, इसका नॉर्मली क्लोज भी ये कंट्रोल सर्किट में इस्तेमाल किया है, नॉर्मली ओपन भी इस्तेमाल किया है, ये जो नॉर्मली क्लोज इसका जो इस्तेमाल किया ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर को एनर्जाइज करने के लिए, स्टार कॉन्ट्रैक्टर का जो कोयल में कंट्रोल सप्लाई आता है ये स्टार डेल्टा टाइमर का नॉर्मली क्लोज में से होके आता है, अब जैसे देख सकते हैं ये टाइमर का नॉर्मली क्लोज है, नॉर्मली क्लोज में होके डेल्टा का नॉर्मली क्लोज में गया फिर ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर का कोयल में आ गया है। ओके,
ये स्टार डेल्टा टाइमर का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट हम लोग इसके लिए यूज़ किया, ये डेल्टा कॉन्टैक्टर को एनर्जाइज करने के लिए। ओके, ये डेल्टा कॉन्टैक्टर को एनर्जाइज करने के लिए स्टार डेल्टा टाइमर का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट से सप्लाई आता है। अब जैसे देख सकते हैं ये टाइमर का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, इसमें से आउटपुट आएगा आपको स्टार कॉन्टैक्टर का नॉर्मली क्लोज में जाएगा, फिर डेल्टा कॉन्टैक्टर का कोयल में आ गया है। ओके, जो भी इधर स्टार डेल्टा टाइमर में हम लोग टाइमिंग सेट करते हैं वो टाइम तक ये कॉन्टैक्ट जो है क्लोज रहेगा, ये ओपन रहेगा। जैसा ही ये जो भी टाइमिंग सेट किया उसमें स्टार डेल्टा टाइमर में, वो टाइम का बाद में ये कॉन्टैक्ट क्लोज जो है ये ओपन होएगा, ये ओपन क्लोज होएगा। टाइमर का ये जो कॉन्टैक्ट क्लोज होने के बाद में डेल्टा कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होएगा। अभी हम चेक करेंगे पूरा कंट्रोल कैसे वर्क करता है। तो अब जैसा देख सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रल लाइन है, ये 220 वोल्टेज का कंट्रोल मैंने बनाया, ये न्यूट्रल लाइन है, ये सब कॉन्टैक्टर का कोयल में आ गया है, कोयल का ए टू टर्मिनल में कनेक्ट किया है, और टाइमर का ए टू टर्मिनल में आ गया है, और इंडिकेशन लैम्प में भी आ गया न्यूट्रल का लाइन। हम लोग कंट्रोल करते हैं फेज़ को, फेज़ का आ गया MCB में, फिर MCB ये था यहाँ से चालू करेगा तो कंट्रोल सप्लाई यहाँ पे आके रुकेगा, स्टॉप पुश बटन का आउटपुट में और स्टार्ट पुश बटन का इनपुट में आके रुकेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है मेन कॉन्टैक्टर का, यहाँ पे आके रुकेगा, ये दोनों जगह पे सप्लाई रहेगा MCB चालू करेगा। तो ये स्टार्टर को स्टार्ट करने के लिए ये जो पुश बटन है इसको प्रेस करेगा तो अपने जो कंट्रोल सप्लाई यहाँ से इधर से आके सबसे पहले ये स्टार कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होएगा, साथ में ये जो टाइमर है इसका कोयल में भी सप्लाई मिलता है, टाइमर भी काम करने के लिए शुरू हो जाएगा, स्टार कॉन्टैक्टर भी एनर्जाइज होएगा, दूसरा कोई भी कॉन्टैक्टर एनर्जाइज नहीं होएगा। देख सकते हैं सब पुश बटन को प्रेस करेगा तो सब कंट्रोल सप्लाई यहाँ पे आके रुकेगा, लेकिन यहाँ पे इसका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है यहाँ पे इसका सप्लाई आएगा, लेकिन इसका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है यहाँ पे ओपन है, तो इसलिए कॉन्टैक्टर का कोयल में पावर नहीं जाएगा, यहाँ पे भी सप्लाई है लेकिन ये ओपन है दोनों कॉन्टैक्ट, तो मेन कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर एनर्जाइज नहीं होगा, सिर्फ ये स्टार कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होएगा, क्योंकि ये टाइमर का NC से डेल्टा कॉन्टैक्टर का नॉर्मली क्लोज से होके फिर स्टार कॉन्टैक्टर में गया, इसलिए स्टार कॉन्टैक्टर सबसे पहले एनर्जाइज होएगा। और टाइमर का कोयल में भी डायरेक्ट न्यूट्रल तो हम लोग पहले से दिया है, और पुश बटन प्रेस करने से ये फेस इधर से आके इसका टाइमर का कोयल भी एनर्जाइज हो गया। ओके, जैसा ही ये स्टार कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होएगा सेम टाइम में ये जो कॉन्टैक्ट है ये क्लोज होएगा। ओके, तो ये सप्लाई इधर ऑलरेडी आके रुका है, तो ये क्लोज होने की वजह से ये मेन कॉन्टैक्टर भी एनर्जाइज होएगा, ये मेन कॉन्टैक्टर भी एनर्जाइज होएगा। मेन कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होएगा तो इधर क्या होता है ये देख सकते हैं, पुश बटन से हाथ हटाएगा तो ये ओपन हो गया, ये मेन कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होने की वजह से ये जो कॉन्टैक्ट है ये भी क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज हो गया तो आपका जो पुश बटन से हाथ हटाएगा तो भी आपका जो कंट्रोल सप्लाई यहाँ से फिर होल्ड हो जाएगा ये होल्डिंग सर्क्यूट का द्वारा। ओके, साथ में ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है ये मेन कॉन्टैक्टर को भी होल्ड करेगा, ताकि ये स्टार कॉन्टैक्टर थोड़ा देर के बाद में बंद हो जाएगा तो मेन कॉन्टैक्टर बंद नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये यहाँ पे होल्डिंग पॉइंट दिया, तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट मेन कंट्रोल सर्किट को होल्ड किया, ये वाला कॉन्टैक्ट पॉइंट मेन कॉन्टैक्टर को होल्ड किया। तो अभी आपको समझ में आया होगा स्टार और मेन कॉन्टैक्टर कैसे एनर्जाइज होता है। अभी डेल्टा कॉन्टैक्टर का देखेगा, डेल्टा कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होने के लिए इसमें स्टार डेल्टा टाइमर में जो भी टाइमिंग सेट किया है उसका बाद में ये जो कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, जो स्टार के लिए जो सप्लाई गया है ये ओपन हो जाएगा, तो ये स्टार कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा, बाद में ये जो कॉन्टैक्ट ये क्लोज होएगा सेम टाइम में, ये ओपन होएगा तो इधर क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ से क्लोज होने की वजह से डेल्टा कॉन्टैक्टर के लिए भी पावर मिलेगा। डेल्टा कॉन्टैक्टर के लिए टाइमर का नॉर्मली ओपन से स्टार का ये इसमें आ गया, स्टार कॉन्टैक्टर का नॉर्मली क्लोज में आया, फिर ये डेल्टा कॉन्टैक्टर में आ गया है, डेल्टा कॉन्टैक्टर का कोयल में। तो इसी तरह ये जो कंट्रोल काम करता है। उम्मीद है आज का जो वीडियो आपको समझ में आया होगा, इसका प्रैक्टिकल वीडियो अगले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।